अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सी टू सी के बारे में, कि बेसिकली सी टू सी क्या है, इसमें हम काम कैसे कर सकते हैं और इसमें हमारे पास कौन सी साइट्स आती हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस जिसमें मैंने आपको डिटेल से ई कॉमर्स के बारे में बताया था कि उसमें हमारे पास चार टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास टाइप होती है वो है बी टू बी, दूसरी जो साइट हमारे पास होती है वो है बी टू सी, और अगर हम बी टू बी और अगर हम तीसरी टाइप की बात करें तो वो हमारे पास आती है सी टू सी, और अगर हम फोर्थ टाइप की बात करें तो वो हमारे पास आती है सी टू बी। अगर आपने मेरी वो पिछली वीडियो नहीं देखी और इससे पहले जो दो टाइप्स हैं बी टू बी और बी टू सी, अगर वो तीनों वीडियोज़ आपने मेरी नहीं देखी तो मेरा चैनल आप विज़िट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो की तरफ। तो सी टू सी बेसिकली हमारे पास ई कॉमर्स की थर्ड टाइप है, जिसमें हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, तीनों को मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कि तीनों का मतलब क्या है। अगर हम पहले वर्ड सी की बात करें तो सी हमारे पास बनता है कस्टमर के, कस्टमर जैसा कि आप जानते हैं मैं और आप लोकली कभी कभार सिंगल चीज़ परचेज या बाई करते हैं तो हम लोकल कस्टमर हैं। जैसा कि आप कोई मोबाइल 4-5 मंथ यूज़ करते हैं और उसे 4-5 मंथ बाद सेल कर देते हैं तो हम एक कस्टमर हैं। इसी के साथ अगर हम सेकेंड टाइप के बारे में बात करें तो वो एज अ रिलेशन यूज़ हो रहा है, रिलेशन मतलब कि सी और सी का आपस में रिलेशन बताने के लिए। हम इस टू को एज अ हेल्पिंग वर्ब भी समझ सकते हैं कि ये एज अ हेल्पिंग वर्ब है सी और सी का आपस में रिलेशन समझाने के लिए। अगर हम अगेन सी थर्ड वर्ड की बात करें तो वो अगेन हमारे पास कस्टमर क्यों बनता है। कस्टमर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं और आप कभी कभार जो सिंगल चीज़ परचेज या बाई करते हैं तो हम कस्टमर हैं। तो अगर हम तीनों वर्ड सी टू सी को इकट्ठा समझने की कोशिश करें तो वो हमारे पास बनता है कस्टमर टू कस्टमर। इसका मतलब हमारे पास क्या बनता है कि एक कस्टमर डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करता है, उसे हम सी टू सी कहते हैं। जैसा कि लोकली हम मैं और आप कुछ एक मोबाइल यूज़ करते हैं और उसे 4-5 मंथ बाद सेल कर देते हैं किसी दूसरे कस्टमर को, किसी लोकली दूसरे कस्टमर को, तो हम सी टू सी लोकली करते हैं। अगर हम इसी सेंस को ई कॉमर्स में ले जाएं, ऑनलाइन बिजनेस में ले जाएं तो हम इसे सी टू सी कहते हैं, जिसमें एक कस्टमर डायरेक्टली दूसरे कस्टमर के साथ डील करता है। और इसमें जो हमारे पास मेन साइट आती है जो कि मैं और आप बहुत कॉमन यूज करते हैं वो है हमारे पास ओएलएक्स। ओएलएक्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूज्ड की हुई चीज़ें सेल और परचेज कर सकते हैं ओएलएक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सी टू सी के बारे में समझ आई होगी, और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।